हेलो डियर एलगे फैमिली ना पिगेट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे माय टॉप 10 जर्मन एक्सप्रेशंस पार्ट 1 है। इससे मिलती जुलती और वीडियोस भी मैं बनाऊंगी जिसमें हम डिफरेंट और एक्सप्रेशंस भी डिस्कस करेंगे। ये आज स्वाय लेवल के लिए है और इससे मिलती जुलती एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि थी माय टॉप 20 जर्मन एक्सप्रेशंस आइंस और आज स्वाय लेवल की थी। उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था तो मुझे लगा कि इस जैसी और वीडियोस भी होनी चाहिए जो कि हमें अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस में मदद दें। सो लेट्स गेट इस वीडियो का फॉर्मेट जरा डिफरेंट होगा। इसको हम एक स्टोरी के अंदाज में लेकर चलेंगे। एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जो मिलकर प्लान कर रहा है एक ट्रिप पर जाने के लिए और वो अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से वो सेंटेंसेस बनाकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी किस्म की, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं वाइस टू सुफेलिश वेयर वन ओडा वो, या कोई और क्वेश्चन वर्ड यूज करके। सुफेलिश का मतलब है बाय चांस। क्या तुम्हें बाय चांस पता है? इसके सेंटेंसेस हम किस तरह से बना सकते हैं आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं और एक और दोस्त का वेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से पूछता है वाइस टू सुफेलिश वन एलेक्स कॉम्ट, क्या तुम्हें पता है कि एलेक्स कब आ रहा है? तो ये आपने नोट किया कि नेबनसैट्स है तो वर्ब एंड पर चला गया है। अब एलेक्स के आने का टाइम अगर कंफर्म ना हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं और अनसर्टन है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में डाफोन आउसगेन। तो उसको आप इस तरह से यूज करके सेंटेंस बनाते हैं इश के डाफोन आउस दस। मेरा ख्याल है, मैं एज्यूम करता हूँ के, और आके सेंटेंस का बाकी पार्ट आता है। अब इंफॉर्मेशन सर्टन नहीं है तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा इश के डाफोन आउस दस एयर पाल्ट हियर साइन वेक्ट, के जल्दी ही वो यहाँ पर होगा। पाल्ट हियर साइन वेक्ट सून हेयर विल बी, तो इसलिए फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता देता है कि इन्फॉर्मेशन तो सर्टन नहीं है लेकिन पहले से उनका प्लान था मिलकर डिस्कस करने का, तो वो कह रहा है जल्दी ही आ जाएगा। जर्मन लैंग्वेज में अगर हमने कोई प्रपोजल या सजेशन देनी है, रिकमेंडेशन देनी है, तो उसके लिए कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ब है फोरश्लागन। लेकिन उसके अलावा भी हम एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और वो है वी वेरे एस वेन, कैसा होगा अगर, और आगे जो भी बात आपने कहनी है वो कहेंगे। तो अब दोस्त ने कह दिया है कि जल्दी ही उसे यहाँ पर होना चाहिए। अब दूसरा दोस्त क्या सजेशन देता है, क्या प्रपोजल देता है, देखते हैं। वी वेगे एस वेन वी आर इन अनरूफन, अगर हम उसको कॉल करें। अब टेलीफोन की सजेशन पर दूसरा दोस्त कुछ इस तरह से बात स्टार्ट करता है दस फ्रिंक्ट उन्स निक्स। एक एक्सप्रेशन है निक्स ब्रिंगन, जिसका मतलब है कोई फायदा ना होना, टू नॉट डू एनी गुड। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई मदद नहीं मिलेगी हमें, तो उसके लिए हम इस तरह से निक्स ब्रिंगन यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं और इस सिचुएशन में वो सेंटेंस होगा दस ब्रिंगट उन्स लाइडर निक्स डा एयर मोमेंटान उंटरवेग्स इस्ट, वो रास्ते में है तो हमें टेलीफोन करने का उसको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो पिक तो करेगा नहीं। फिर दूसरा दोस्त कहेगा ओ मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं दामिट रैशनन। रैशनन का क्या मतलब है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा कि मैंने तो ये चीज कंसिडर ही नहीं की, आह दामिट हैब इश गार निश्ट गेरैशनेट। अपना ओपिनियन देना है और आज स्वाय बे आइंस लेवल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि दो इस्तेमाल होते हैं स्पेशली स्पीकिंग में, इश बिन डे माइनुंग आई हैव द ओपिनियन, और माइना माइनुंग नाह अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, और आगे जो भी बात होगी वो। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूं कि इश बिन डे माइनुंग और आगे दस के साथ नेबनसैट्स स्टार्ट होता है और माइना माइनो नाख के बाद आप डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं
जुमले का जो बाकी पार्ट है वो। तो अब इस सिचुएशन में कि एक दोस्त फिर दूसरे को सजेशन दे रहा है, कोई ओपिनियन, सॉरी सजेशन नहीं, ओपिनियन दे रहा है, तो वो क्या कहेगा देख लेते हैं। इन दोनों दोस्तों का कंफर्म है ट्रिप पर जाना, एलेक्स का अभी कंफर्म नहीं है, तो ये अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक कहता है माइना माइनुंग नाख सोल्टन वी एलेक्स उबत सॉइगन दस एयर आउ मिट ओन्स कॉम्ट। मेरे ख्याल में हमें चाहिए एलेक्स को कन्विंस करना कि वो भी हमारे साथ आए या चले। इंग्लिश का एक्सप्रेशन एज सून एज पॉसिबल इस्तेमाल करते हैं हम जर्मन में इस तरह से, सो श्नेल वी मोग्लिश। अगर एलेक्स के भी साथ जाने का प्लान डन हो जाता है तो फिर ये कहेंगे आल्सो दान सोल्टन वी सो श्नेल वी मोग्लिश उन जगह फ्लूक टिकट्स बुखन। तो फिर हमें चाहिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी, हमारे फ्लूक टिकट्स, हमारी एयर टिकट्स को बुक करना। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं सो श्नेल वी मोग्लिश, एज सून एज पॉसिबल। तो वी वैसे तो क्वेश्चन वर्ड भी है, लेकिन इसका मतलब एज भी या लाइक भी होता है। अगर कोई किसी बात पर एग्री कर लेता है तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज में एक एक्सप्रेशन, बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन यूज होता है, और वो है एक रिफ्लेक्सिवस वर्ब का प्रेपोजिशन के साथ कॉम्बिनेशन, और वो है सिश आउफ एटवस आइनिगन, जिसका मतलब है टू एग्री ऑन समथिंग। तो यहाँ पर दोस्त ही डिस्कस कर रहे थे, तो अब वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से, हैवन वी अंस डगाउफ गेआइनिक्ट, हैव वी एग्रीड ऑन इट, किस चीज पर, लेट्स सी। हैवन वी अंस डगाउफ गेआइनिक्ट, वी फील ए गाइडेड सीले वी हैवन, कि कितनी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं हमारी। और अगर आपने इंग्लिश का एज वेल एज का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो उसके लिए हम जर्मन लैंग्वेज में यूज करते हैं सोवोल और अल्स आउ का कॉम्बिनेशन। और अगर आप ये सारी वीडियो ध्यान से देखते आ रहे हैं और आपने ये स्पेसेस नोट की हैं, तो इसका मतलब है कि उन वर्ड्स के इर्द गिर्द कोई और, उनके आसपास कोई और वर्ड्स भी होंगे जब हम उनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये दोस्त कौन कौन से गाइजे सीले की बात करते हैं। Wir wollten doch auf jeden Fall sowohl Paris als auch Rom besichtigen. हम तो चाहते हैं कि हम हर हाल में पेरिस और रोम भी विजिट करें। तो ये आप नोट करिए कि सोवोल एक किसी जगह की मेंशन करके और उसके बाद दूसरे जगह को मेंशन करने के बीच में दोनों आए हैं, और इसको टू पार्ट कंजंक्शंस भी कहा जाता है। काफी ग्रामर की बात होगी। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे लग रहा है इश बिन सोवोल हुंगिश अल्स आउख टूरिस्टिश। आपने शायद ऑलरेडी नोट कर लिया हो कि ये जो दोनों हैं, जो कि इंग्लिश और जर्मन का हमने देखा, इन दोनों को डिफरेंटली यूज किया जाता है। आप डिफरेंटली किस तरह से, वो इस तरह से कि अगर हम इंग्लिश में कहते तो इस तरह से कहते पेरिस एज वेल एज रोम, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में इन दोनों को हमने तोड़ दिया और एक जगह के साथ एक आया और दूसरे के साथ दूसरा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्स आउख को इकट्ठा यूज करना है, इनको नहीं तोड़ना। दोस्तों ने अपनी ट्रिप फाइनल कर ली है और हम भी आ गए हैं अपने लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ। अगर आपने कहना है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, जबरदस्त है, तो उसके लिए आप सिंपल तीन वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जुपा, परफेक्ट, प्रीमा। लेकिन उसके अलावा आप एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं गुट पासन, अच्छा सूट करना। तो उसके लिए होगा दस फास्ट डॉ गुट, ये तो जबरदस्त फिट कर गया है, सूट कर गया है। Unser erstes Reiseziel ist Paris und dann haben wir noch 4 Tage. Also, wir besuchen auch Rom. Das passt doch gut. तो इस तरह से अपनी फर्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन का बताकर कहते हैं कि फिर हमारे पास 4 दिन हैं और हम विजिट करेंगे रोम भी, तो ये बिल्कुल जबरदस्त फिट हो गया है। तो ये थे हमारे 10 एक्सप्रेशंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेंगे अपनी स्पीकिंग में यूज करने के लिए, और जब आप इन एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे जर्मन्स के साथ तो वो कहेंगे क्या बात है, इतनी अच्छी जर्मन बोल रहे हो।
ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मेरा चैनल और वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पिस्तान।